कैसा लग रहा है ज्ञानवापी में पूजा आराधना? मेरा नाम सीता साहू है, मैं ज्ञानवापी श्रृंगार माँ श्रृंगार गौरी की याचिका करता हूँ। और अयोध्या हम लोग आए हैं, अपार हर्ष हो रहा है, अपार खुशी हो रही है, इतना खूबसूरत लग रहा है अयोध्या, इतना सजा हुआ है। मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि हम लोग की राम की नगरी इतनी खूबसूरत सज गई है। और राम लला तो उनके दर्शन समझ लीजिए मेरे लिए ये भावुक भी होगा और याद करने वाला, हमेशा जीवन भर याद करने वाला पल होगा। बहुत खुश हूँ मैं। बहुत बड़ा चैलेंज था और बहुत कठिन लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है। उस लड़ाई को समझ लीजिए हम लोग को बहुत ही स्ट्रांग होना पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है, तब आज दिन ये देखने को मिला। उसके बावजूद आज सुनने को मिला है कि अगला पक्ष ये इल्ज़ाम लगा रहा है कि जो वादनी है और न्यायपालिका और साथ में जो है प्रशासन मिली भगत है। मैं पूछती हूँ, जब 31 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने वहाँ पे एकाएक पूजा बंद करवा दिया, बैरिकेटिंग करवा दिया, तब आप लोगों ने कुछ नहीं बोला? तब क्यों नहीं बोला? आज इतने संघर्ष के बाद, इतने परिश्रम के बाद वहाँ पूजा पाठ का अवसर मिला है, तो आज आप आरोप लगा रहे हैं? क्या आपको भारत के संविधान पे, भारत के न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है? ये देश सरिया पे नहीं चलेगा, ये देश संविधान पे चलेगा, ये भारत देश है, भारत देश में संविधान से चलेगा, ना कि आपके सरिया पे चलेगा। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण था वो, जब हम लोग पूजा अर्चना वहाँ पे गए करने, मैं तो भावुक हो गई थी, मैं रोने भी लग गई थी खुशी में। वो बहुत ही समझ लीजिए कि यादगार पल है और बहुत ही सुखद अनुभूति है। मैं वहाँ पहुँची तो ऐसा लगा कि मैं किस दिव्य स्थान पे पहुँच गई हूँ, बहुत ही वो सुखद अनुभूति है। मैं तो कहूँगी हर कोई जाए वहाँ दर्शन करे और वहाँ पे आशीर्वाद ले। आज रामलला का दर्शन करने आएंगे, रामलला से क्या सुना? यही आशीर्वाद मांगूंगी कि अब हम लोग की प्रतीक्षा और साथ में नंदी जी की प्रतीक्षा आप खत्म कर दीजिए, राम जी अपने आराध्य को भी आज़ादी दिला दीजिए, जैसे आपका भव्य मंदिर बना है उसी तरह भव्य मंदिर बाबा विश्वेश्वर का भी बने, और उसी तरह उनका भी जो वैसे ही पड़े हैं वहाँ, न जल चढ़ सकता है, न रुद्राभिषेक हो सकता है, न पूजा पाठ हो सकता है, वहाँ भी पूजा पाठ हो सके, उनको जल चढ़ाया जा सके। बस मैं यही प्रार्थना करूँगी राम जी से। मेरा नाम सीता साहू है, ज्ञानवापी की याचिका करता जी। कितना खुशी हो रहा है आपको? देखिए, एक एक सीढ़ी हम लोग पार कर रहे हैं और जितना अनुभव हम लोग को हो रहा है शायद हम लोग आपको बता नहीं सकते हैं। एक एक पल का इंतजार था, क्योंकि हमारे मंदिरों को तलवारों की नोकों से इन्होंने तहस नहस किया था, आज हमें पुनः वो वापस मिल रहा है, तो उससे खुशी हम लोग को बहुत मिल रही है। क्योंकि 30 साल हमारी पूजा बंद कर दी गई थी, उस मंदिर में हम लोग को रोक लगा दिया गया था, हम लोग को वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। हमारे हिंदुओं के साथ कब तक खिलवाड़ करते रहोगे? अब सही वक्त आ गया है, सच को कब तक छुपा के रखोगे? एक ना एक दिन सच सबके सामने उभर के आएगा। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा। अब तो लग रहा है कि अब हमारे वजू खाने का भी सर्वे हो जाए और दूध का दूध पानी का पानी नजर आ जाए। बिल्कुल मांग कर रहे हैं, और जो हमारे 3 तहखाने और भी बंद हैं उसके लिए भी हम लोगों ने डाली एप्लीकेशन कि वो भी तुरंत हम लोगों की सुनवाई हो। क्या नाम है? मेरा नाम मंजू व्यास है, ज्ञान बाबी की याचिका करता श्रृंगार गौरी की। क्या